मैम आपका एक और फैन है, उससे तो मैं भी मिला हुआ हूँ, तो अमृतसर में है चन्ना चूड़े वाला करके, मैंने आपको बताया भी था जी, जी, तो वो चूड़ा बनाते जो नई दुल्हन शादी में पहनती है ना, तो वो क्या करता है मेरी मम्मी को ले जाता है आके जिस दिन आपका बर्थडे होता है। तो हाँ, तो मेरी मम्मी अमृतसर की माधुरी है। पर मैं आपको फोटो दिखाता मैम, हाउ स्वीट ऑफ हिम, यहाँ पे दिखाना जरा वो पिक्चर। तो ये देखिए माधुरी जी का बर्थडे है, और मेरी मम्मी केक, मेरी भाभी भी बैठी साथ में गुलाबी सूट में देखो, और ये आपका हर साल बर्थडे मनाते हैं मैम वहां पे। तो उन्होंने मुझे कसम दी थी, बोलता जब भी आप माधुरी जी से मिला मेरा नाम जरूर लेना, कहता और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो और भी होंगी पिक्चर्स, ये देखो आपको केक खिलाया जा रहा है और मम्मी मेरी खिला रही है। और वो देखो पीछे मैं भी खड़ा हूं। ये मेरा सगा मामा है। ओ सॉरी, मैंने उसकी मूछें थी, मैं समझा मैं हूं। नहीं, ये मेरे मामा जी है, आर्मी से रिटायर है। वैसे ही हमारे घर बहुत कम आते, बिजी रहते हैं, आर्मी के बाद भी जॉब करते हैं, लेकिन उनको पता चला माधुरी जी का बर्थडे, पहुंचे हुए मुझे रख के, देखो वाह। और भी है हमारे पास पिक्चर्स, ये देखो आपसे मिले भी हुए हैं। करेक्ट चन्ना जी, आपका मैसेज मैंने माधुरी जी तक पहुंचा दिया, आपकी फोटो भी दिखा दी, अब जितना भी आपको बनने पड़े आप दान पेटी में हमारे घर डाल दें। थैंक यू मैम। नॉर्मल लोग तो आपके फैन होते हैं आपकी फिल्मों देख के, लेकिन जो खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, हुसैन साहब, फिर अपने बिरजू महाराज जी, जब ऐसे लोग भी आपको बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या फील होता है मैम उस समय आपको? जैसे हुसैन जी रहे या महाराज जी रहे, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं उनकी मुरीद हूँ। मैं आई एम आपकी पेंटिंग बनाई उन्होंने और अरे, आपको प्रेजेंट इन्हीं को तो बना रहे जब से देखा है। अरे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी हुसैन साहब का। अच्छा जी, तो सुनीता बोलती है सबकी पेंटिंग से हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है। अच्छा, हुसैन साहब की पेंटिंग हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे। अच्छा, तो वो माधुरी जी को मिलना चाहते थे। अच्छा, तो मैंने बोला कि आपको अगर माधुरी जी को मिलना है तो मुझे भी एक पेंटिंग देनी पड़ेगी। तो मेरे घर पर आना। अच्छा, और उन्होंने मुझे पेंटिंग दी है जहाँ वहाँ लिखा हुआ है टू अनिल एंड सुनीता हुसैन साहब, वो इट इज़ देयर, इट्स अ प्राइस पोजेशन इन माय हाउस, एंड ओके, वो पेंटिंग मुझे माधुरी की वजह से मिली है। वाओ। तो कितना मैंने माधुरी जी का, यू नो, मुझे कितना पॉजिटिव फायदा किया। हाँ, करेक्ट, यस करेक्ट, इसलिए मतलब अभी तक नहीं। हुसैन जी की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि कैसे वो, उनको कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब ही नहीं था लाइफ से उनको। अच्छा। बस पेंटिंग करनी है, यही मतलब था। राइट। तो मैं जब डेनवर में थी, आरएन हुआ मेरा पहला जी, तो बोले मैंने हमेशा आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, हीरोइन की इसमें देखा है, अब मैं आपको मदर के रोल में देखना चाहूंगा, आप कैसे। अच्छा। करते हैं सब, कैसे संभालते अपना घर। अच्छा। ये वो, तो आए थे वो डेनवर आए थे। ओके। तो आए तो एक छोटी सी बैग लेके आए, तो मैंने बोला आपका बैगेज लेना होगा, तो वो बोले नहीं नहीं मेरी बैग है ना ये है। अच्छा, शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो शायद एक सिर्फ एक रोलर भी लेके आए, नहीं तो हम जाते तो इतने बैग कितने सारे लेके जाते हैं। चे तो आए और बोले अच्छा ऐसा करते हैं कैनवस लाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने बोला हुसैन जी रिलैक्स। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर मैं रिलैक्स करूँगा तो मतलब मेरी पनिशमेंट है, जब मैं पेंट करूँगा तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला कैनवस लाते हैं लेकिन पेंट्स भी लाने पड़ेंगे। बोले नहीं ये है ना रोल अवे बैग। अच्छा, पूरे पेंट्स थे उसमें। तो मैंने बोला लेकिन हुसैन जी आपके कपड़े कहाँ हैं, मेरे पेंट्स उसमें पेंट्स हैं। बोले कुछ नहीं ये शर्ट पहना है, ये निकाला तो अंदर पजामा और सुबह फिर से शर्ट पहन लिया। तो मतलब उनको दुनियादारी से कोई ये नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे मतलब संत, फकीर संत की तरह। संत, संत, संत। और वैसे ही बिरजू महाराज जी भी हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान। तो जब कहते हैं ना लोग कि कलाकार हो गए या पता नहीं घमंड आ गया ये आ गया, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे यू नो अपने आर्ट को कैसे संभाल के रखना है।